इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो महंगे मोबाइल फ्लिपकार्ट व अमेजोन से ऑर्डर कर बुलवाते थे और उन्हें नकली मोबाइल के साथ वापस पैक कर कंपनी से पेमेंट रिफंड ले लेते थे और असली मोबाइल को मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। आरोपियों से पुलिस ने लाखों रुपए मोबाइल के बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पर धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसे लेकर पुलिस द्वारा टीम गठित की गई थी। इस दौरान दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने पूछताछ कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी वसीम अकरम अमेजोन फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन महंगे फोन खरीदने हेतु ऑर्डर करता था, जिसमें पेमेंट ऑनलाइन कर देता था। जब असली मोबाइल फोन डिलीवर हो जाता था तो आरोपी डिलीवर बॉक्स में से असली महंगा मोबाइल फोन निकालकर उसी के जैसा नकली या फर्स्ट कॉपी या चाइना मेड नकली मोबाइल फोन पैक कर ई कॉमर्स वेबसाइट पर कहकर वापस कर देता था कि वह फोन नकली डिलीवर हुआ है, इसीलिए नहीं खरीदना है। जबकि वापस नकली मोबाइल फोन पैकिंग करते वक्त आरोपी वसीम उस नकली फोन पर धोखाधड़ी पूर्वक वही IMEI सॉफ्टवेयर की मदद से चढ़ा देता था जो कि असली मोबाइल फोन पर लिखकर आया होता था। आरोपी मूल रूप से कोटा राजस्थान का रहने वाला है, जिसके द्वारा विभिन्न कंपनियों के कई मोबाइल हैंडसेट का प्रयोग कर दूसरे व्यक्तियों के नाम की फर्जी सीमों का उपयोग कर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन महंगे मोबाइल खरीदने हेतु कई फर्जी आईडी बनाई गई है और उसका दुरुपयोग करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर मोबाइल हैंडसेट की खरीदी का ऑर्डर देता था और अमेजोन फ्लिपकार्ट से माल डिलीवर होने पर उस मोबाइल हैंडसेट के स्थान पर उसी कंपनी का डुप्लीकेट चाइना का मोबाइल रखकर इस बात की शिकायत करता है कि उसके साथ ठगी हुई है और उसे नकली मोबाइल हैंडसेट भेजा गया है। इस कंप्लेंट के एवज में या तो कंपनी उसी कंपनी का दूसरा मोबाइल भेजती थी या कैश बैक देती थी और आवेदक इस तरह से आपराधिक कार्य प्रणाली अपनाते हुए अमेजोन फ्लिपकार्ट कंपनी सहित कई अन्य व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध दोहरा लाभ अर्जित कर रहा था। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 10 से अधिक महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिनसे और भी धोखाधड़ी के मामले के खुलासे होने की संभावना। आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जो कि ई कॉमर्स के बढ़ते हुए बाजार को प्रभावित करने के लिए और जो भी उसमें आम आदमी है उसको धोखा देने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे थे। इसमें अगर हम देखें तो समान तौर पे एक पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें बार बार इंदौर के कुछ व्यक्तियों के द्वारा बड़ी संख्या में मोबाइल के ऑर्डर्स दिए जा रहे थे। मोबाइल के ऑर्डर्स को लेने के कुछ दिनों बाद उनके द्वारा ये शिकायत आती थी कि संबंधित जो मोबाइल है वो सही नहीं है, वो मोबाइल की गुणवत्ता जो है घटिया है, ठीक नहीं है, और उसके बाद संबंधित कंपनी उसको वापस कर देती थी। ऐसा बड़े पैमाने पर हो रहा था। मुख्य तौर पर ये जब अमेजन और फ्लिपकार्ट दो जो ऐसी वेबसाइट हैं, दोनों वेबसाइट पर इन्होंने बड़ी संख्या में मोबाइल ऑर्डर की। उन्हें अधिकांश मोबाइल की जो प्राइस होती थी, जो कीमत होती थी, 1 लाख रुपये से ज़्यादा की होती थी और उस मोबाइल को मंगाने के बाद ये फिर उसकी शिकायत दर्ज कराते थे कि ये जो मोबाइल है जो अपेक्षित गुणवत्ता है उस स्तर का नहीं है, इसे वापस किया जाए। और कंपनी जब जांच करती तो पता चलता था कि बिल्कुल इसकी शिकायत सही है, उसकी जो गुणवत्ता है बड़ी ही खराब स्तर की है, फिर कंपनी उनको रिफंड कर देती थी। इस तरह जब काफ़ी बड़े पैमाने पर चलने लगा तो इसमें पुलिस को एक दिन सूचना मिली, इसमें जानकारी मिली कि कुछ इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शक पैदा करते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा होना और किसी खास जगह पर ही ऐसा होना, एक समूह की तरह ऐसा होना, तो उसको ध्यान में रखकर के पुलिस की टीम ने, मुख्यतः क्राइम ब्रांच ने, ग्रुप राशर जो एडिशनल इंस्पेक्टर थे, तो अच्छा इसमें एक टीम लगाई गई। लगातार उस टीम ने 10-15 दिन तक वॉच किया, तब उसमें एक बड़ा सनसनीखेज पूरा मॉडस ऑपरेंडी उभर के सामने आया। उसमें पाया गया कि एक ऐसा गिरोह है जो पूर्व में भी दूसरे राज्यों में इस गिरोह से जुड़े दूसरे लोग इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। ये ई कॉमर्स की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उनको निशाना बनाते थे, ये प्लान तरीके से महंगे मोबाइल जो 1 लाख रुपये से ज़्यादा है उनको ऑर्डर देते थे और ऑर्डर आने के बाद ही इनके पास सॉफ्टवेयर्स होते थे,
ये उस हैंडसेट से सारी जानकारियां निकालते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि वो उस IMEI का है कि नहीं, हम IMEI चेक करते हैं, उसके कुछ कोड्स होते हैं वो चेक करते हैं, उन सारे नंबर्स को हू बहू उन सारे डिजिट्स को ये दूसरे जो 5,000 रुपये का मोबाइल आता था, यानी कि जो अगर 1,25,000 का मोबाइल है जो कि मार्केट में अगर एप्पल का है, तो उसका डमी मोबाइल एक दिल्ली में एक चिन्हित किया गया है, उस जगह से 5,000 में वो मोबाइल लाते थे, उसका डमी पीस होता था। और उस डमी पीस में इसके सारे जो मूल जो जो भी इसके डिजिट्स हैं और इसको चिन्हित करने वाले जितने कोड्स हैं, जैसे कि हम IMEI MSI वगैरह जो होते हैं कोड्स, उस IMEI को सारे नंबर्स को हू बहू इस मोबाइल में कॉपी कर देते थे, और करने के साथ ही फिर एक दिन बाद उसका शिकायत दर्ज कराते थे कि मोबाइल जो है अपेक्षित स्तर का नहीं है। कंपनी कई बार अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी जो बड़ी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं वो कई बार या तो खुद किसी को चेक करने के लिए भेजती हैं या कई बार वो सीधे वापस मंगा लेती हैं। दोनों तरीकों से जब होता था तो या तो इनको जो व्यक्ति आता था वो फिर रिपोर्ट देता था कि सही गुणवत्ता का नहीं है, या तो कंपनी ने पैसे रिफंड कर देती थी या फिर उसके बदले में दूसरा मोबाइल उसी गुणवत्ता का भेज अच्छी गुणवत्ता का भेजती थी। इसमें इनको दोनों स्थितियों में फायदा था, जो दोबारा मोबाइल आता था फिर उसको मार्केट में बेच देते थे, और अगर नहीं मिला तो फिर मोबाइल के पैसे इनको मिल जाते थे। तो इस तरीके से इनके बड़े पैमाने पर इन्होंने ये रैकेट शुरू किया। समान तौर पर देखें तो लॉकडाउन के दौरान से इस तरह के अपराध बढ़े हैं, इस तरह के अपराध में सामने आए, क्योंकि शिकायत ज़्यादा ना आने का कारण है कि इसमें जो 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 कंपनियां जो सीधे प्रभावित होती थी, जो एजेंसी, वो या तो अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें शायद इस तरह के धरने पर उनका या इस तरह की जो धोखाधड़ी हो रही थी शायद उनका प्रारंभिक दौर में ध्यान नहीं गया होगा, और दूसरे कई बार जो दुकानदार जो प्रभावित होते थे, जिन दुकानदारों, क्योंकि उसमें कंपनी पूरा अवेयर नहीं करती है, जिस दुकानदार ने बेचा है, जिससे लिया गया है और उसमें जिसके नाम से आया है, वह पूरी तरीके से उसमें 70-80% जो इसका वहन होता था इस पैसे को रिफंड करने का, उस दुकानदार के द्वारा वहन किया जाता था। तो इसलिए इसमें शिकायतें ज़्यादा नहीं आई, लेकिन पुलिस को जब इसकी जानकारी लगी कि इस तरह की कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसे अगर बड़ी संख्या में लगातार मोबाइल रिटर्न हो रहे हैं और सभी के सभी उसमें फेक आ रहे हैं, तो ये पुलिस के लिए मुख्य तौर पर एक चैलेंजिंग था। इसमें चिंता की बात यह है कि समान तौर पर पुलिस जो है IMEI के आधार पर मोबाइल ट्रैक करती है, लेकिन इस तरह के सॉफ्टवेयर के आने से, इस तरह के सॉफ्टवेयर के प्रयोग से और इस तरह के धोखाधड़ी से पुलिस के सामने चुनौती है कि अगर एक IMEI से अगर कई मोबाइल हो तो पुलिस के पास निश्चित तौर पे एक चुनौती बढ़ जाती है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी जो आई है इसमें कुछ दूसरे राज्यों में भी इस तरह की पिछले दिनों वारदातें हुई हैं, पुलिस उनसे भी संपर्क करके, ये एक ही गिरोह के हिस्से हैं कि अलग अलग हैं, पुलिस उनकी जाँच कर रही है। कितने आरोपी और कितनी धोखाधड़ी कर रही है इसमें? इनके पास से लगभग 6-7 मोबाइल्स मिले हैं। कुछ मोबाइल ऐसे मिले हैं जैसे कि एक ही IMEI के 2 मोबाइल हैं, वो सॉफ्टवेयर का पता चला है जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। इसमें कुछ अभी एक जो एक अल्ट्रा 20 करके एक मोबाइल था सैमसंग का, उसका भी उन्होंने कॉपी किया था, तो उसकी भी एक सारी चीज़ें, उसकी जानकारियाँ मिली हैं। तो वो सॉफ्टवेयर मोबाइल 4 मोबाइल का ऑर्डर उन्होंने किए थे, उसकी भी जानकारी मिली है, मोबाइल भी मिल गए हैं। तो अभी प्रारंभिक तौर पर जो 5-6 इनके पास तत्कालिक उपलब्ध था, इनके टेबल में और इनके हाथ में जो मिल गया तत्काल को जब पकड़ा गया, तो वो सारी चीज़ें मिल गई हैं। लेकिन इनके पास से एक बड़ा मामला निकलेगा, बड़ी संख्या में मोबाइल्स निकलेंगे, क्योंकि इनका दिल्ली से संपर्क था। दिल्ली में हम जानते हैं कि जैसा मैंने बताया कि लगभग 1,25,000 रुपये के मोबाइल का डमी पीस 5,000 रुपये में लाते थे, जिस पर आगे की अपनी कारगुजारी करते थे, जिसमें आगे जब पूरी तरीके से जब नंबर चेंज करते थे तो उस पुराने जो डमी मोबाइल होता था, जो कि खराब किस्म का मोबाइल होता था, उसमें उन सारी चीज़ों को IMEI से लेकर जो बाकी तकनीकी जानकारियां होती हैं उनको उसमें वो हू बहू कॉपी कर देते थे। तो उसके आधार पर पुलिस सारी जानकारियां निकाल रही है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में और कुछ और एक दो जगहों पे जो कुछ शहर है वहाँ पर इस तरह की शिकायतें आई हैं, उनके संपर्क में है, और वहाँ पर इस तरीके की जब जानकारियाँ उन टीमों के साथ कि पहले इन्होंने वहाँ पर कितनी वारदातें की हैं और यहाँ की वारदातों के लिए हमें संबंधित कंपनियों से पिछले 6 महीने में कितने इस तरीके के ई कॉमर्स में सेम मोबाइल संबंधी शिकायतें आई हैं, क्योंकि कंपनी को इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी कि वो IMEI से सीधे वेरीफाई करते थे, और IMEI को एक बड़ा प्रमाणिक माध्यम माना जाता है कि अगर वो IMEI उस मोबाइल में है
तो समान तौर पर हम मानते हैं कि ये मोबाइल उसी व्यक्ति का है और उसकी कॉपी समान तौर पर नहीं की जा सकती, एक समान धारणा है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने उसका मिसयूज किया है, तो उसके बाद इस नए सिरे से इस बिंदु पर जितने मोबाइल्स गए होंगे उनकी पुलिस जांच करेगी और तब इसका सही आकार सामने आ पाए। आरोपी कितने और कहां के? आरोपी इंदौर के हैं और मुख्य जो आरोपी है यहीं के है, डॉलर मार्केट से जुड़ा हुआ है। और उसके साथ कुछ लोगों को पता चला है जो दिल्ली के मार्केट से और उत्तर प्रदेश से पूछा। इसमें दो आरोपी हैं जो अभी प्रथम दृष्टया आए हैं सामने, और जो सॉफ्टवेयर का जो बदलता है जो एक्सपर्ट है उसमें एक आदमी जो करता था उसे भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ इससे कुछ जुड़े नाम आए हैं जो दो तीन स्तर पर इसमें ये गड़बड़ियाँ करते थे। पहले स्तर पे ये डमी मोबाइल लाना तो संबंधित हु बहू बिल्कुल देखने में वैसा ही लगे वैसा मोबाइल लाना भी एक चुनौती है, वहाँ से मोबाइल लाना। दूसरा, उस मोबाइल बने का तुरंत मार्केट में खपाना बड़ी संख्या में। फिर उन जगहों पे अगर चेंज करना हो तो संबंधित कंपनियों में अलग अलग एड्रेस पे देना, क्योंकि एक ही दिन अगर कोई एक व्यक्ति 100 मोबाइल ऑर्डर करे और वापस करे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने अलग अलग ईमेल आईडी का प्रयोग किया, बहुत सारे ईमेल आईडी पे अलग अलग जगहों पे मंगाया ताकि अलग अलग कुरियर्स हों, अलग अलग डेट में आए, ताकि बहुत ज़्यादा शक ना हो। तो इन सारे चीज़ों में और भी ज़्यादा लोग जो इसमें भागीदार होंगे उनको हम लोग जांच करेंगे, उनके और जानकारियाँ निकालेंगे और इसमें गिरोह का जो संख्या है वो बढ़ेगी। सर अभी तक कितने मोबाइल इस तरीके से ले चुके हैं? ये संख्या फैसलों की संख्या में हो सकती है। अभी तो छेफा तो इनको पकड़ने पर तत्काल जो प्रथम जानकारी मिली तो पुलिस ने तत्काल अभी रेड किया, तत्काल इनसे वो मोबाइल और बाकी चीज़ें जब्त की जो इनके पास में मिली हैं, उस सॉफ्टवेयर को देखा भी, सॉफ्टवेयर के माध्यम से चेंज करते हैं। तो इन सारे चीज़ों से ये तो स्पष्ट है कि पूरे मॉडल्स ऑपरेंडी, पूरा इनका काम करने का तरीका और बाकी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी जानना, तो पुलिस ने उन चीज़ों पे काम किया है। लेकिन अब इसमें गिरोह से कौन कौन से लोग जुड़े हैं, दूसरे राज्यों से कौन जुड़े हैं और कौन इसके लिए जो प्रारंभिक तैयारी के लिए जो सामग्री चाहिए होती थी वो कौन उपलब्ध कराया है, उन सब चीज़ों पर एक्चुअली कुछ एक शिकायत दुकानदार की तरफ से आई थी। एक दुकानदार जिससे वो मोबाइल लिया गया था और मोबाइल लेने के बाद क्योंकि कंपनियां भी जो होती हैं, जो बड़ी कंपनियां ई कॉमर्स की होती हैं,